अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त बींग पाकिस्तानी चैनल के साथ। आज फिर मैं एक हेल्थ टिप लेके हाज़िर हुआ था आपकी खिदमत में। वो ये है कि जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, लोगों के गले ख़राब हैं, खांसी लगी हुई है, तो खांसी से बचने के लिए अगर खांसी है या नहीं हुई, अभी होने के चांस हैं, तो उसको कवर कैसे किया जाए, रिकवर कैसे किया जाए उसको, वो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। मैंने ये अपने पास से नहीं कह रहा, मैंने 10 मुस्तनद डॉक्टरों से मशवरा किया इस बारे में और फिर आपके पास मैं हाजिर हूँ ये लेके। तो खांसी जो है ना, वो एक कुदरती अमल है जो कि सांस और फेफड़ों की नालियों में होने वाले इरिटेंट्स को साफ करती है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो किस मसले के लिए जाते हैं? सबसे ज्यादा जो लोगों को मसला होता है वो खांसी होती है। अब खांसी से बचने की मैं आपको बताता हूँ, इससे बचाव के 10 तरीके हैं। ये 10 तरीकों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नंबर एक, गर्म सूप और यखनी पीए। नंबर दो, सोते वक्त सर थोड़ा ऊंचा रखिए, यानी कि थोड़ा ऊंचा सरहाना लेके सोइए। नंबर तीन, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। नंबर चार, अपने जिस्म को थकने न दें, थकावट से बचाएं अपने जिस्म को। नंबर पाँच, शहद का इस्तेमाल करें, ठीक है, शहद जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। नमक के पानी के गरारे करें। और नंबर सात, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। नंबर आठ, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, तो उसको वैसे तो हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट खांसी रिकवर होने तक छोड़ दीजिए। और जितना हो सके उतना पानी पीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और आराम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए खांसी की हालत में। ये सब चीज़ों पे अमल करने के बाद भी, पहली बात तो ये कि इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल खांसी बाकी रहेगी नहीं, और अगर फिर भी रही तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। इतनी सी बात के लिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।